नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। जम्मू कश्मीर में विद्युत विकास विभाग के कर्मियों ने अपने हड़ताल को खत्म कर दिया है। सरकार से लिखित आश्वासन को मिलने के बाद यह हड़ताल खत्म किया गया है। हड़ताल की वजह से जम्मू कश्मीर के विभिन्न प्रकार की बिजली संकट पैदा हो चुकी थी। शीतलहर तेज होने के साथ ही बिजली संकट भी बढ़ गया था। बताया जा रहा है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ पीडीडी के प्रस्तावित विलय को रोकने के लिए प्रशासन से लिखित आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म की। संभागीय आयुक्त राघव लंगर और एडीजीपी मुकेश सिंह के नेतृत्व में एक अधिकारियों की टीम ने सोमवार मंगलवार की दरमियान रात को पीडीडी कर्मचारी संघ के महासचिव एस टिक्कू के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से नए सिरे से बातचीत की और उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया। उन्होंने बताया कि सरकार पीजीसीआईएल के साथ पीडीडी के प्रस्तावित विलय के फैसले को फिलहाल के लिए स्थगित करने और इस मामले पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन करने को तैयार हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में 60% बिजली आपूर्ति बहाल हो गई है और आने वाले दिनों में प्रशासन इसे 100% तक कर लेगा। जम्मू कश्मीर में रविवार से लगातार 3 दिनों से जारी बिजली कर्मियों की हड़ताल की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हड़ताल खत्म होने से जनता को काफ़ी राहत मिलेगी क्योंकि घाटी में तापमान 0 से नीचे है और बिजली की कटौती से निवासियों के लिए विशेष रूप से जम्मू संभाग में स्थिति को बदतर बना दिया था। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को उनका वेतन भी दिया जाएगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने हर बात को लेकर आश्वासन दे दिया है और कहा है कि जल्द ही पूरे राज्य में एक तरीके से बिजली आपूर्ति बहाल कर ली जाएगी। आपको बता दें कि बिजली के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ रविवार से विद्युत विकास विभाग के कर्मी हड़ताल कर रहे थे, जिससे कि केंद्र शासित प्रदेश में बिजली की भयंकर किल्लत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जम्मू विश्वविद्यालय ने इस हड़ताल के मद्देनज़र मंगलवार को होने वाली स्नातक एवं स्नातकोत्तर की ऑफलाइन एवं ऑनलाइन परीक्षाएं भी स्थगित कर दी थी। इससे पहले जम्मू कश्मीर बिजली कर्मचारी एवं अभियंता समन्वय समिति के संयोजक मुंशी मजीद अली ने प्रभा साक्षी से बात करते हुए कहा कि सरकार के निजीकरण के कदम के खिलाफ बिजली विभाग के सभी कर्मचारी लाइनमैन से लेकर इंजीनियर तक हड़ताल पर हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा हमारे मुद्दे को हल करने में विफल रहने के बाद हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया था। माजिद अली ने कहा कि समन्वय समिति द्वारा ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन के रखरखाव और विकास के लिए JKPTCL और PGCIL के बीच संयुक्त उद्यम के गठन के ज्वलंत मुद्दे पर गहन चर्चा के बाद हड़ताल का आह्वान किया गया था। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है एक्चुअली स्ट्राइक बॉयकॉट कॉल थी जो JKPEECC ने दी थी। जम्मू ने इनिशिएट किया था और कश्मीर ने सपोर्ट किया था। जो हमारा ये स्ट्राइक का रीज़न है वो ये है, हम प्रोटेस्ट पे हैं। अभी जो सरकार की पॉलिसी पीडीडी के लिए है वो बहुत ही खतरनाक है। हमारे फ्यूचर्स के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी जो डिमांड्स है वो यू थी, जो ज्वाइंट वेंचर ये कह रहे हैं कि हमारा जो JKPTCL है वो ज्वाइंट वेंचर किया जाएगा और नई कंपनी बनाई जाएगी पावर ग्रिड ऑफ इंडिया के साथ, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ेगा हमारे डिपार्टमेंट को। दूसरी जो हमारी डिमांड थी, जो इससे पहले अनबंडल किया गया था हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट को अलग अलग कॉरपोरेशन में, तो उसका व्हाइट पेपर इशू किया जाए कि आया कि इससे कोई फायदा हुआ भी है या नहीं। और जो पीडीएल टीडीएल्स है यानी कि उर्फ़ान में जिनको डेली वेजर कहा जा रहा है, उनकी डीपीसी 2019 में हुई थी, उनके रेगुलराइजेशन ऑर्डर जो है अभी तक उजरा नहीं हुए हैं, तो उनको उजरा किया जाए। और जो हमारी सैलरीज हैं, चाहे पावर परमानेंट मुलाजमीन की हो या डेली वेजर्स की हो, अभी के टाइम पे ग्रांट इन एड यानी कि खैराती तनख्वाही मिल रही है। हम कह रहे हैं कि हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, दिन रात ड्यूटियाँ दे रहे हैं, तो हमारी जो तनख्वाहें हैं बाकी आम जैसे हमारे अगले डिपार्टमेंट्स या बाकी डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन हैं उनकी तरह बजटरी जो है सपोर्ट के साथ हमारी ट्रेजरीज में तनख्वाह आ जाए। तो यही कुछ हमारी डिमांड्स हैं। अगर इनको फुलफिल नहीं किया गया, जैसे कि आप लोगों का हजूम अभी देख रहे हो जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पे, इसको इंटेंसिफाई किया जाएगा। देखिए, हमारा जो आज प्रोटेस्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़ेरे इहतमाम से यहाँ पे मुनक्कद किया गया। हमारी जो डिमांड है, हमने गवर्नमेंट के सामने एक मेमोरेंडम के तौर पे पेश किया था जिसमें हमने 4 पॉइंट्स रखे। पहला पॉइंट यही है कि जो जॉइंट वेंचर कंपनी प्राइवेट कंपनी बनाई जा रही है पावर डिपार्टमेंट और पावर ग्रिड के दरमियान, उस प्रपोजल को शेल्व किया जाए।
गवर्नमेंट ने जो वादे इन द फॉर्म ऑफ एसओ 109 2019 में पावर डिपार्टमेंट को अनबंडल करने के टाइम पे जब हमें कॉरपोरेशन बनाया गया उस टाइम जो हमसे वादे किए गए उन वादों को पूरा किया जाए। जो हमारे टीडीएल्स और पीडीएल्स पिछले 3 साल से डीपीसी कन्वीन होने के बाद भी एक फॉर्मल ऑर्डर का वेट कर रहे हैं वो ऑर्डर्स इजरा किए जाए। हमारी जो सैलरीज है जो हमें एज ए गवर्नमेंट मुलाजिम ट्रेजरी से वागुजार होनी चाहिए वैसे ही वागुजार होनी चाहिए जैसे किसी और गवर्नमेंट मुलाजिम को वागुजार होती है। और हमारे जो मुलाजिम चिनाब वैली में काम कर रहे हैं उन पे एक वाइट पेपर जारी किया जाए जिनकी वर्किंग कंडीशंस एट पार विद अदर पीपल वर्किंग इन चिनाब वैली उसके बराबर होनी चाहिए। ये 4 डिमांड्स हैं जिसमें हम कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट पर नहीं मांग रहे हैं, कोई चांद तारे नहीं मांग रहे हैं। सिंपल डिमांड्स हैं, गवर्नमेंट से बोल रहे हैं हमसे बातचीत कीजिए, हमारे सामने आइए। अभी तक आए नहीं, हम वेट कर रहे हैं। मैं नासिर अहमद भट्ट इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन का प्रेसिडेंट हूं। प्रोटेस्ट ये है कि गवर्नमेंट हमें नाकारा समझती है जबकि जब से ये बिजली डिपार्टमेंट शुरू हुआ है पावर हाउसेस ग्रिड्स रिसीविंग स्टेशन सब स्टेशन जो भी लाइनें बिछाई गई है हमारे लोगों ने हमने बिछाई है। अभी क्या मसला है? अभी हमने गवर्नमेंट के सामने 4 डिमांडें रखी हैं जो कि एक जॉइंट एडवेंचर है जो कि प्राइवेट कंपनी बनाई जा रही है। हमारा जो एसेट है वो बेचा जा रहा है, जो लोगों का एसेट है वो बेचा जा रहा है। हमारी सैलरी सिक्योर नहीं है, हमारे टीडीएल्स पीडीएल्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स की रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है, नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज की प्रमोशन नहीं हो रही है। बिल्कुल सरकार आगे आनी चाहिए, रिटर्न एश्योरेंस देनी चाहिए, तभी हम जाके ये हड़ताल हटाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।